आइए आइए आइए। लड़का राजू नजर आ रहा है, मुझे तो डर है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना राजू समझ लो। ओह शट अप। ओके अंकल राजू। हाय डैड। वेलकम सन, वेलकम। कैसे तू? डबल द वर्ल्ड। अरे कुछ देर तो ऐसा लगा कि शायद तू इस फ्लाइट में आया ही नहीं। डैड आप तो जानते हैं कस्टम्स इमिग्रेशन ऑल दिस। कुड यू प्लीज टर्न दिस साइड। हाय कैसा तू? डबल फिट। डबल फिट? हाँ पहले अकेला था तो सिंगल फिट था, अब मेरा यार आ गया है तो डबल फिट हुआ कि नहीं। राजू इनसे मिलो, ये मेरे पार्टनर हैं राजेश। हेलो राजू। हेलो। ये मेरी बेटी किटी। हाय हाय। वेलकम टू इंडिया। वाओ इंडिया में अमेरिकन वेलकम, फैंटास्टिक, थैंक यू। डैड दादी नहीं आई? बेटा वो कहने लगी कि वो भीड़ में तुम्हें नहीं मिलना चाहती, तुम्हें अकेले में अपने गले लगाना चाहती हैं, इसलिए घर पे तेरा इंतजार कर रही हैं। Let's go. चलो। दादे दादे कहाँ हो स्वीटहार्ट? अरे छोटे मालिक आप कैसे हो काका? ठीक हूँ। दादी माँ कहाँ है? पूजा घर में है। ठीक है। दादी। जीता रहे मेरे बच्चे। ये क्या दादी? कुछ नहीं बेटा, जब हिमालय पिघलता है तो गंगा बहती, जब ममता पिघलती है तो आंसू बहते, और ममता का एक एक आंसू बच्चों की उम्र में एक एक साल जोड़ जाता। दादी मुझे बड़ा नहीं होना, मुझे कभी तेरी गोद से बड़ा नहीं होना। बहुत बातें बनाना सीख गया है अमरीका जाके। अरे दादी अमेरिका जाकर भी मैं अमेरिका कहाँ गया? हा? जब सुबह होती हा? मैं सोचता दादी भगवान के सामने धूप जला रही होगी और धूप की खुशबू सारे घर में महक रही होगी, और जब शाम होती मैं सोचता दादी दिया बाती कर रही होगी और सितारे चुपचाप उसकी आरती सुन रहे होंगे। नहीं रे, जब सुबह होती तो मैं सोचती कि मेरे राजू ने क्या नाश्ता किया होगा और उसकी मनपसंद चीजें कौन वहां बना के देता होगा, और जब शाम होती तो मैं तेरे लिए लोरिया गाती। अच्छा दादी, इसलिए मैं भी सोचूं घर से हजारों मील दूर मुझे इतनी अच्छी नींद कैसे आने लगी। क्यों बेटे, दादी मिलते ही बाप को भूल गया? डैड दादी नहीं होती तो आप कहां से मिलते? यू आर राइट, यू आर राइट। अच्छा शाम को जल्दी तैयार हो जाना, पार्टी है तुम्हारे लिए। पार्टी? किस खुशी में? ए ग्रैंड पार्टी फॉर ए ग्रेट सन। नो डैड, अ ग्रेट पार्टी फॉर अ ग्रैंड सन। बाजार का तो ऐसा ही है, कभी गर्म कभी नरम। अरे बाबा धर्मराज, अरे भाई वो है किधर? अरे बड़ी चीज के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया है? मेरा कहने का मतलब है तुम्हारा पुत्र, वो तुम्हारा लड़का किधर है? अरे लालवानी आ जाता है आ जाता है, धर्मराज का बेटा है करमराज, और राजकुमारों का इंतजार तो करना पड़ता है। अरे ये बात तो है। मगर कब तक? दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि वो दो मिनट में आ रहा है। गुप्ता जी आ जाता है आ जाता है, सब्र रखिए। गोपाल जी अंकल। अरे बेटा जाके देख तेरा दोस्त क्या कर रहा है।
इतना टाइम हो गया अभी तक आया नहीं। अंकल मुझे तो लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को तैयार कर रहा होगा। गर्लफ्रेंड? क्या कर रहा है ये तू? अरे जानेमान, ये मार्लन मोनरो का परफ्यूम है। अरे बस कर तेरा मोनरो मोनरो, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे स्वीटहार्ट, ये तो देखो, अरे एलिजाबेथ टेलर की लेटेस्ट लिपस्टिक। अरे मुंह तो यहाँ लाओ। पागल हो गया है क्या? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे राजू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के साथ रोमांस कर रहा है। रोमांस छोड़, मुझे, मैं कहती हूँ जा अपने दोस्तों के पास, मेहमान तेरी राह देख रहे होंगे। अरे दुनिया को इंतजार करने दे, मैं अपने जानेमान स्वीटहार्ट को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? कम ऑन डार्लिंग, लेट्स गो। हेलो अंकल। हेलो मिस्टर राजेश। हाउ आर यू? मैं जानता हूँ कि तुम किसे ढूंढ रही हो। वो देखो, वो आ गया। स्वीटहार्ट, तुम यहां बैठो, मैं जरा बोर हो गया था। आइए आइए। धर्मराज जी। हेलो अंकल। हेलो राजू बेटे, कैसे हो? हाय किटी। हाय। वापस इंडिया आकर अच्छा लग रहा है ना? फ्रेंड्स, लिसन टू मी, आज इस मौके पर मैं आपके सामने एक जरूरी बात करना चाहता हूं। आप सबके सामने मैं राजू को एक सरप्राइज देना चाहता हूं, इसकी सगाई का ऐलान करके। मेरे अजीज दोस्त, मेरे सीनियर पार्टनर राजेश्वर दयाल जी और इनकी बेटी किटी, हमने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए अपने बच्चों की शादी का फैसला किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। राजू, सब लोग कह रहे हैं मुबारक हो मुबारक हो, पर तेरा क्या कहना है यार? ओके फॉर यू डैड। हाँ, ओके फॉर यू? एब्सोल्युटली ओके माय डियर सन। किरी बेबी, ओके फॉर यू? ओके ओके। वन मिनट स्वीटहार्ट, ओके फॉर यू? मुझसे क्या पूछता है तू? बता तू क्या कहता है? जब होती है शादी, छिन जाती है आजादी, पर होने वाली बात को कैसे कोई रोके? सबने कर दी ओके, तो मैंने भी कर दी ओके। जब होती है शादी, छिन जाती है आजादी, पर होने वाली बात को कैसे कोई रोके? जब होती है शादी, छिन जाती है आजादी, पर होने वाली बात को कैसे कोई रोके? सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके। सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके।
अपने डैडी पे एतबार है मुझे, अपने डैडी से बड़ा प्यार है मुझे, अपने डैडी से बड़ा प्यार है मुझे, यारो इसी प्यार पे तो कुर्बान होके मैंने भी कर दी ओके ओके, हाँ मैंने भी कर दी ओके ओके, सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके। शादी छिन जाती है आजादी, पर होने वाली बात को कैसे कोई रोके, सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके, सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके। ओके सबने कर दी ओके ओके, तो मैंने भी कर दी ओके ओके, नाश्ता लाया ओके ओके, हाथों से खिलाऊंगा ओके ओके। क्या कल रात से कर रहा है ओके ओके ओके, बंद कर। क्यों दादी, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं दादी, तुम सच नहीं बोल रही हो, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया या मेरी सगाई की बात? दोनों दोनों। अरे स्वीटहार्ट, अरे दादी सुन तो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, जा बड़ा ओके ओके। अरे मेरी बात तो सुन यार। दादी मैं तानसेन तो हूं नहीं, ना कोई तानसेन की औलाद हूं, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया ये बात तुम्हें समझ में आती है, लेकिन तुम्हें मेरी सगाई की बात पसंद नहीं आई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। जाने दे, बहुत पुरानी बात है। पुरानी बात, व्हाट डू यू मीन? छोड़ ना, क्या करेगा सुनकर। दादी बात नहीं हो या पुरानी, जो बात तुम्हें उदास कर दे वो मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है। मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे उदासी की एक झलक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे बताना होगा दादी, यू हैव टू टेल मी। अच्छा बताती हूँ, तू बैठ यहां, सब कुछ बताती हूँ। ले ये देख। दादी हाँ? ये तस्वीर किसकी है? याद नहीं आती? ये तू है और ये गुड्डी। गुड्डी? कौन गुड्डी? हजार साल पहले की बात है बेटा,
जब तू 6 साल का था और ये 4 साल की। 1000 साल पहले? दादी पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। बेटे वैसे तो सिर्फ 16 साल बीते हैं इस बात को, पर लगता है कि कई युग बीत गए। उस वक्त हम ऊटी के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे जिसका नाम है रामनगर। और एक बार तुम्हारे जन्मदिन पे मैं तुम दोनों को मौनी बाबा के आशीर्वाद के लिए भगवान शंकर के मंदिर में लेकर गई। जीते रहो। आज दुकान नहीं गए राम भरोसे? माँ जी एक नया धंधा शुरू करने जा रहा था। अच्छा, सोचा पहले मौनी बाबा से पूछ लूं। बाबा फूल देंगे तो शुरू करूंगा, पर पत्थर देंगे तो नहीं शुरू करूंगा। देखो बाबा जब फूल देते हैं तो उसका मतलब होता है हाँ, और पत्थर उठाते हैं तो उसका मतलब होता है ना। कितने सालों से ऐसा चला रहा है। ये तो है माँ जी। माँ जी आपने तो बाबा को बचपन से ही देखा है। हाँ। क्या बाबा तब भी मौनी रहते थे? हाँ राम भरोसे, मैंने कभी बाबा को बोलते नहीं सुना। जैसा बचपन में देखा था बिल्कुल वैसे ही आज भी है, कोई फर्क अच्छा? नहीं आया। माँ जी आज तो आप अपने गुड्डा गुड्डी को भी साथ ले आई हैं। हाँ आज राजू और गुड्डी का जन्मदिन है। प्रभु की लीला देखो, इन दोनों की उम्र में फर्क 2 साल का जरूर है, लेकिन जन्मदिन उनका एक ही दिन है, इसीलिए तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। लड़ेंगे झगड़ेंगे मगर एक दूसरे के बगैर भी रह नहीं सकते। जैसे इनके बापों की दोस्ती, उससे बढ़कर इन दोनों का प्रेम। मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, शुरू करूँ या नहीं? बाबा आपने भारी संकट से मुझे बचा लिया। चलो बच्चों बाबा को प्रणाम करो। बाबा इनका आज जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। देखो तो कैसे सो रहे हैं। आज मौनी बाबा ने दोनों के हाथ में एक एक फूल रखकर आशीर्वाद दिया। ऐसा लगा जैसे कह रहे हो कि इन दोनों को कभी अलग मत करना। इन्हें कौन अलग कर सकता है माँ जी? कहने को तो गुड्डी मेरी बेटी है, मगर उसका रहना खाना सोना सभी तो आपके यहाँ होता है। बहू तूने भी तो राजू की माँ के मरने के बाद राजू को गुड्डी से अलग थोड़ी जाना है। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, जरा इनसे तो पूछिए इन्हें अपने घर खाना खाए हुए कितने दिन हो गए। अरे भाभी इसे तो दांत काटी रोटी वाली दोस्ती कहते हैं। अरे कैसी दोस्ती की बात कर रहे हो तुम, गांव छोड़ के शहर जा रहे हो। मां जी आप इसे समझाती क्यों नहीं? अबे उल्लू ना समझ तू है मैं नहीं, मैं कहता हूं तू भी मेरे साथ शहर चल। मिट्टी में से सोना निकालने वाला जमाना गया,
अब तो सीमेंट और कंक्रीट सोना उगलते हैं, लेकिन खाते तो लोग आज भी अनाज ही हैं। कंक्रीट सीमेंट और सोना नहीं, और ऐसे ही अगर लालच में आकर सारे किसान लोग शहर चले गए तो रोटी कहां से खाओगे, अनाज कहां से आएगा? अरे भैया मैं दूसरों की नहीं तेरी और मेरी बात कर रहा हूं। हमें दुनिया का नहीं अपना भविष्य देखना है, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मैं तो यहां ईंटों की भट्टी जला जला के तंग आ गया हूं। शहर जाऊंगा, ईंटों पे ईंट लगाऊंगा, बिल्डिंगें बनाऊंगा। तू साथ रहेगा ना, अपनी दोस्ती भी सीमेंट कंक्रीट की तरह पुख्ता हो जाएगी। अरे छोड़ो यार, अगर तू शहर चला गया ना तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म, मैं ये दोस्ती तोड़ दूंगा। अच्छा तू दोस्ती तोड़ देगा? अरे जा जा, तू क्या दोस्ती तोड़ेगा? दोस्ती तोड़ूंगा बच्चों मैं। अरे क्या पागलपन शुरू कर दिया है तुम लोगों ने? हाँ माँ, मैंने तो सोच लिया। क्या? आज से हमारी दोस्ती खत्म। चल हट। भाई साहब ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी, अब ये दोस्ती नहीं चलने की। अरे माँ जी, लगता है ये कुछ पागल हो गया है। डॉक्टर को बुलाऊं? अरे पागल मैं नहीं हो गया, पागल हो गया तू। मैं हो गया हूँ? जी हाँ। कैसे? अच्छा ये बता, समधियों में कभी दोस्ती होती है? समधि? अरे हाँ, स्वयं तुमने माने क्या कहा? आज मौनी बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, अगर तुम्हारी गुड्डी और मेरे राजू की शादी पक्की हो जाए तो हम समधि हुए या नहीं हुए? बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ। तो फिर खड़े क्या देख रहे हो? आओ सामने आओ, गले मिलो। अरे तुम आगे बढ़े, बेटी वाले तुम हो कि मैं हूँ? आता हूँ आता हूँ। राजा की आएगी बारात, राजा जी, राजा की आएगी बारात। रुपए कमाने के लिए तेरा बाप गांव छोड़कर शहर आ गया, ईंटे बनाते बनाते ईंटे जोड़ने लगा और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो गया। और बलराम काका का क्या हुआ? वो वही रह गया, अपनी खेती बाड़ी संभालता रहा। यहाँ आने के बाद तेरे बाप ने तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, और वहां से लौटने के बाद आगे पढ़ाई के लिए तुझे अमेरिका भेज दिया। तो क्या उसके बाद आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है, रामनगर से आने के बाद भी दोनों घरों में आना जाना कायम रहा, ज्यादा नहीं तो साल में एक आध बार तो मिल ही लेते थे। अब पिछले साल तेरे बाप ने ऊटी में चाय के बाग खरीदे ना, तब मैं भी उसके साथ गई थी, और सावित्री को और बलराम को मिली भी, इतने प्यार से मिले, और गुड्डी को देखकर तो ऐसा लगा कि सुनी आंखों में सपने आ गए, इतनी सुंदर है क्या बताऊं। मैं तो ऐसी ललचाई कि मेरा बस चलता तो मैं उसे उठाकर अपने साथ ही ले आती, मगर बलराम बोला माँ जी गुड्डी हमारी यहाँ तो चार दिन की मेहमान है, आप शादी का मुहूर्त निकलवा और ले जाओ, और तेरे आने का दिन भी नज़दीक आ रहा था तो मैंने पंडित जी को बुलवाया। मैं बैठी पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा रही थी कि राजेश्वर दयाल आया। नमस्ते माँ जी। आओ बेटा राजेश्वर। माँ जी धर्मराज का है? ऊपर अपने कमरे में। हेलो धर्मराज। राजेश्वर दयाल जी आइए 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 बैठिए, एक ड्रिंक बनाऊं आपके लिए? तुम तो जानते हो मैं दिल का मरीज हूं। अरे तो ब्रांडी ले लीजिए। नहीं नहीं फिर कभी, दरअसल मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। हाँ कहिए ना। हम दोनों तो बिजनेस पार्टनर्स हैं ही, मैंने सोचा हमारे बच्चे यानी तुम्हारा राजू और मेरी किटी दोनों लाइफ पार्टनर्स बन जाए तो क्या हर्ज है। भाई साहब ये कैसे हो सकता है? तुम ताज्जुब कर रहे होगे कि अचानक मैंने ये सब क्या सोच लिया। देखो धर्मराज तुम मेरे पार्टनर ही नहीं मेरे दोस्त भी हो, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे साथ जो मेरे बिजनेस हैं उनके अलावा मेरे और भी बिजनेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, प्रॉपर्टी है, और मैं ठहरा दिल का मरीज। ऊपर से दो साल पहले अमेरिका में वो $4 मिलियन का होटल खरीद कर मैंने और मुसीबत मोल ले ली, यहां का तो संभलता नहीं, पता नहीं वहां का कैसे संभाल पाऊंगा। मैंने सोचा मेरी इकलौती लड़की है, अकेली वारिस, उसका और राजू का रिश्ता हो जाए तो दोनों मिलकर ये सब संभाल सकते हैं, चाहे तो दोनों अमेरिका में भी सेटल हो सकते हैं।
मैं तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था धर्मराज। मैंने दोनों के नाम वसीयत भी तैयार करवा ली है। ये देखो, लगता है तुम कुछ सोच में पड़ गए हो। देखो, अगर कोई अड़चन है तो बता दो, हम दोनों दोस्त हैं। अगर मना कर दोगे तो आई वोंट माइंड, मगर सब सोचा हुआ बिखर जाएगा। राजेश्वर दयाल जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। थैंक यू। और अगले दिन बलराम भी आ गया। धर्म, अरे धर्म, अरे ओ धर्म, जय राम जी की चौधरी साहब। राम जी, जय राम जी की। चलिए जल्दी सामान उतारिए, जल्दी। शाबाश। हाँ तो मेरे दोस्त, क्या जलवे हो रहे हैं आजकल? बस चल रहा है। चल रहा है? अरे कितनी बिल्डिंगें बनाओगे यार, कितना माल बनाओगे? और बैठो। नहीं यार, बैठूंगा नहीं, बहुत सारी खरीदारी करनी है और शाम को घर भी लौटना है। हाँ ये बताओ कि शादी का मुहूर्त कब का निकला है? अरे तू जरा बैठ तो सही, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तू मानेगा नहीं, देर करवा के ही छोड़ेगा। हाँ बोल, क्या बात करना चाहते हो? बलराम, मैं कह रहा था कि वो ये जो तुम खरीदारी करना चाहते हो उसकी क्या जरूरत? मान गए दोस्त, मैं मान गए। साला दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? दोस्त, अपनी जान दे रहा हूं जान, तो फिर साली चंद चीजों की क्या कीमत? वो बात नहीं है बलराम, दरअसल गुड्डी और राजू के रिश्ते में कुछ अड़चन आ रही है। क्या अड़चन है? उनकी कुंडली नहीं मिल रही क्या? अरे साली कुंडली मिले ना मिले क्या बात है, अरे हमारे दिल तो मिले हुए हैं ना। बलराम, राजू और गुड्डी का रिश्ता नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए? यार मुझे लगता है कि हम इस रिश्ते को भूल ही जाएं तो अच्छा है। क्या कह रहे हो तुम? देख बलराम, बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, बचपन में उनका आपस में लगाव था, लेकिन बड़े हो जाने के बाद भी वो लगाव रहे ये कोई जरूरी तो नहीं। और फिर राजू अमेरिका से पढ़कर आ रहा है, वहां की तहजीब, वहां का तमद्दन, वहां के ख्यालात, वहां का रहन सहन, गुड्डी के साथ उसकी निभ सकेगी मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बातें तो तुम कई साल पहले भी कह सकते थे, फिर आज ये सारी बातें कैसे याद आ गईं? अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार, अपना बेटा है कहते हुए भी शर्म आती है, मगर तू तो मेरा यार है, तुझसे कैसी शर्म? मैंने सुना है कि वो किसी अमेरिकन लड़की में इंटरेस्टेड है और वहीं सेटल होना चाहता है। अब गुड्डी जैसी तेरी बेटी यार, वैसी मेरी बेटी, मैं जानबूझ के उसको राजू के पल्ले बांध दूं, उसकी जिंदगी खराब कर दूं? तू गुड्डी की फिक्र मत कर, ये बता कि तेरी मर्जी क्या है। देख बलराम, राजू मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ क्या कर सकता हूं? और जहां जोर लगाऊंगा तो लड़का से निकल जाएगा, उसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरी मजबूरी समझ सकता है ना? समझ गया, तेरी सारी मजबूरी समझ गया। मैं जानता था कि तू जरूर समझ जाएगा। और फिर गुड्डी का क्या है, तो कोई और लड़का देख, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
मैंने सब सुन लिया है धर्म, मेरे जीते जी ये फैसला तूने कैसे किया? माँ तू बीच में मत बोल, राजू के लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया है। ठीक है आज थोड़ा बुरा जरूर लगेगा लेकिन आगे चल के दोनों की भलाई इसी में। बहुत दूरंदेशी की बातें करने लगा है, मगर ये मत भूल के मैं तेरी माँ हूँ। मैं देखती हूँ कि ये शादी कैसे नहीं होती। बलराम तू जाकर शादी की तैयारी कर। नहीं माँ, अगर तुम्हारे दबाव में आकर ये मान भी गया तो अब मैं नहीं मानूंगा। मैं लड़की का बाप जरूर हूं लेकिन भिखारी नहीं। और फिर बलराम चला गया, उसके बाद उसकी कोई खोज खबर नहीं आई, ना कोई चिट्ठी पत्री आई। दादी अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये तो बेटा तुझे ही तय करना पड़ेगा कि तुझे बाप के रास्ते पर चलना है या अपने रास्ते पर। माय डियर गुड्डी, मैं कल ही अमेरिका से लौटा हूं। यहां आकर दादी से पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता है। मुझे तो कुछ याद नहीं, शायद तुम्हें भी याद ना हो। पुरानी तस्वीर देखकर लगता है कि ये रिश्ता भुलाया तो जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं जा सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, कब आऊं? तुम्हारा करमराज। I hate you. तुमसे और तुम्हारे खानदान से नफरत करती हूं। यूं तो मैंने इस तस्वीर के टुकड़े की तरह तुम्हें अपनी जिंदगी से काट कर अलग कर दिया है, लेकिन एक रिश्ता मैंने जरूर रखा है तुम्हारे साथ, नफरत का, बेहद बेहिसाब और बेइंतहा नफरत का। मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से, तुम्हारे खानदान से इतनी नफरत करती हूँ कि उसके लिए एक जिंदगी तो क्या, 10 जिंदगियां भी काफी नहीं। गुड्डी। अरे राजू, यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा है? किसका कत है? गुड्डी का। गुड्डी का क्या लिखा है? हा? इतनी नफरत, इतने अपमान के बाद कोई भी होता तो यही करता। तो अब तू क्या करेगा? दादी अगर प्यार नफरत बन सकता है तो नफरत भी प्यार बन सकती है। राम जी, छोटे साहब को खाने के लिए बुलाया? जी हाँ, बोल दिया है, वो आ रहे हैं। कैसे बच्चे हैं आजकल के, खाने से तो जैसे दुश्मनी है इनकी। डैड, डैड आज का पेपर देखा आपने? क्या है रे? प्रॉफिट दादी, प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। क्या है बेटे, कैसा प्रॉफिट? ये देखिए डैड, हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है कि कोई भी चीज बनाकर पूरी की पूरी एक्सपोर्ट की जाए तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं। हाँ भाई, देखा तो मैंने भी है। तू क्या कहना चाहता है? डैड, दादी बता रही थी हमारे चाय के बागीचे हैं। हाँ, ऊटी के पास एक 30 एस्टेट ले रखी है मैंने। मैंने अमेरिका में देखा है, वहां लोगों को हिंदुस्तानी चाय बहुत पसंद है। डैड, अगर हम अपनी टी एस्टेट में उम्दा क्वालिटी की चाय पैदा करके पूरी की पूरी एक्सपोर्ट कर दें तो हमें कमाई की कमाई एंड नो इनकम टैक्स। फंटास्टिक, व्हाट एन आइडिया। इसीलिए डैड, मैं सोच रहा था मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगा, मैं ऊटी चले जाता हूँ और ये काम भी संभाल लेता हूँ। अरे अभी अभी तो आया है इतने सालों बाद और फिर बाहर। तुम बाप बेटों पर तो पैसा कमाने का भूत सवार है। भाई देख, मुझे तो कोई एतराज नहीं, अब अपनी दादी को तुम मना ले। दादी प्लीज, कम ऑन स्वीट हार्ट। मुझे मक्खन मत लगा, तुझे जाना है तो जा। दादी अगर डैड ने कोई गलत सलत भी किया होगा मैं उसे संभाल लूंगा। क्यों डैड, अपने प्रॉपर्टी की तो बात है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, नई नई तालीम, नए नए आइडिया लेकर आया है, हम तो पुराने हो चुके हैं भाई। हाँ डैड, वैसे भी आजकल की दुनिया में पुराने चीजों की कदर कहाँ है, क्यों स्वीट हार्ट? ठीक है तू जा, मैं कर भी क्या सकती हूँ, सीने पर पत्थर रख लूंगी। लेकिन दादी एक मेहरबानी करना, ज्यादा भारी पत्थर मत रखना। चुप, चल बैठ, खाना खा। हाँ खाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ। लाओ क्या है? हाँ
मैं समझ गया कि तू गुड्डी की नफरत को मोहब्बत में बदलने जा रहा है, लेकिन साथ में मुझे क्यों घसीट रहा है यार? इसलिए कि तू मेरा दोस्त है और मुझे तेरी मदद की जरूरत है। वो कैसे? गौर से सुन, आज से तू करमराज है, सेठ धर्मराज का बेटा। क्या क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बेवकूफ, आज से टी एस्टेट तेरी है। हमारे टी एस्टेट के बंगले में तू रहेगा, तू मेरे नाम से ऐश करेगा और मैं तेरे नाम से इश्क करूंगा। और अगर बात खुल गई तो क्या होगा? तो तुझे जूते पड़ेंगे। कमाल है, मदद भी करो और जूते भी खाओ। यहां से तेरा मेरा रास्ता अलग होता है। आज से गाड़ी तेरी है और ये रास्ता तेरा। जहां मुझे जाना था वहां तू जाएगा। और तू? जहां मुझे जाना है मैं वहां जाऊंगा। अरे पर तू जाएगा कैसे यार? पैदल। पैदल? अरे उल्लू के पट्टे, अब क्या हुआ? मुझे तेरी हालत पर तरस आ रहा है। भगवान किसी दुश्मन को भी तेरी तरह घर से बिगर ना करे। Now shut up and get lost. Okay, brother, good luck. चलो करम राज, son of धर्म राज, अपनी टी स्टेट में। कुछ बदमाश लड़के आपको तंग कर रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं, आपका पीछा कर रहे हैं और आप उनसे घबरा के भाग रहे हैं। इंसल्ट जी? नॉट ओनली इंसल्ट, इट इज अ डिसग्रेस टू इंडियन वुमनहुड। क्या? हाँ, इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है हमारे देश की? जिस देश ने झांसी की रानी चांद बीबी और रानी पद्मिनी जैसे महान लड़कियों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने और अपने देश की इज्जत बचाने के लिए बड़े से बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आज उसी देश की नौजवान लड़कियां चंद बदमाश लड़कों से डर के भाग रही हैं, आसरा ढूंढ रही हैं। शेम, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर। नो फ्यूचर? देयर इज फ्यूचर, अगर आप लोग हिम्मत से काम लें और अपनी मदद खुद करें। कैसे? यू समझ लीजिए, ये बदमाश लड़के लड़के नहीं, गेंद हैं, हॉकी आपके हाथ में है, मारिए गोल पे गोल। राइट। रेडी? रेडी। ये कौन है यार? लगता है अपने माशूकों को कोई परेड सिखा रहा है। दीदी, बुला अपनी दीदी को। साली छोगरी था ना, छोगरा ना मारा छे। वाओ, तू कमाल करे छे। अरे बस करो बहन जी, मेरे पेटी तो बा। ओ जिंदा रे पुत्र। पेनल्टी कॉर्नर। या गुड। या यस। अकेले अकेले बहुत गाना गा रहे थे ना? मला माफ करा ताई। मेल्या ताई म्हण तो मला, आई म्हण आई। मेलो आई। झकास, काय मारलायस? मत मारो हसीना। क्यों बच्चे, आ गया ना पसीना? देवी साहब, ये लीजिए जीत का फोटो, दुश्मन जीत पड़ा है। Why not? हिलना मत। थैंक यू।
तो मिस्टर रेफरी, देखी हमारी वीरता? कमाल कर दिया आपने, लगता है झांसी की रानी साक्षात सामने खड़ी है। आपका नाम क्या है? गुड्डी। गुड्डी, आपका नाम गुड्डी है? जी, क्यों? फिर तो मैं मैच जीत गया। आप मैच जीत गए? मैच तो हमने खेली है, जीत हमारी हुई है। आपकी जीत में तो मेरी जीत छुपी हुई है। आप लोग जरा एक कदम पीछे हो जाइए, प्लीज प्लीज। आप नहीं, मैं आपका एक सोलो क्लोजअप लूंगा। क्यों? मैं आपकी एक अच्छी तस्वीर खींचूंगा। आपकी तस्वीर मेरी मैगजीन में छपेगी, टाइटल होगा इंडिया टुडे, प्राइज मुझे मिलेगा, हुई ना मेरी जीत। स्माइल। तो आप किसी मैगजीन के रिपोर्टर हैं? जी हाँ, मैं आपके इलाके पे कवर स्टोरी लिखने आया हूँ। यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, यहाँ का रहन सहन कितना खूबसूरत है, यहाँ के त्योहार, यहाँ के फेस्टिवल्स कितने खूबसूरत हैं। फिर तो हमारे यूथ फेस्टिवल में आना चाहिए। यूथ फेस्टिवल? जी हाँ, आज हमारे कॉलेज का एनुअल यूथ फेस्टिवल है। हाँ। आप आएंगे? आप बुलाएं और हम ना आए? वहाँ आप जी भर के फोटो खींचिएगा। आपने रियली हमारी बहुत मदद की है, हमारी सोई हुई हिम्मत को जगाया है। हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मैं आपके इलाके में नया नया आया हूँ, आप किसी अच्छे होटल का पता बता सकती हैं जहाँ मैं चंद दिन ठहर सकूँ? हमारे इस छोटे से कस्बे में कोई होटल तो नहीं है। हाँ, एक गेस्ट हाउस जरूर है, रोजी आंटी का गेस्ट हाउस। आइए, मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ। आप मुझे छोड़ेंगी? क्यों नहीं, आपने हमें इतनी इंस्पिरेशन दी है कि हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से रोजी आंटी का गेस्ट हाउस कितने दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, यही पास में है, अभी आ जाएगा। माफ कीजिएगा, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक तकलीफ दे सकती हूँ? ऑफ कोर्स, विद प्लेजर। आपने मेरी इतनी सारी तस्वीरें खींची हैं, क्या उनमें से एक एक कॉपी आप मुझे दे सकते हैं? क्यों नहीं, आपकी तस्वीरें आपको नहीं तो और किसे दूंगा। हाँ, याददाश्त के लिए कुछ अपने पास रखूंगा। आपने ये तस्वीरें खींचने का काम कब से शुरू किया? यही कोई एक साल से। बस सिर्फ एक साल से? जी नहीं, पूरे 12 महीनों से। ओ, 12 महीनों से? तो 12 महीनों का क्या हुआ? एक साल, और एक साल का क्या हुआ? आप बहुत होशियार हैं। शुक्रिया। उस लड़के का कोई रिश्तेदार है यहाँ? नहीं, मैं तो उसे रोजी आंटी के गेस्ट हाउस में छोड़कर आ रही हूँ। लेकिन बाबूजी, लड़का है कमाल का। अच्छा। क्या कमाल किया है उसने? उसने हमें ऐसा जोश दिलाया, ऐसा ललकारा, वो बोला, लड़कियों, तुम लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और चांद बीवी की संतानें हो। फिर हमने भी ऐसी वॉकी घुमाई, ऐसे गोल पे गोल मारे कि महेश एंड कंपनी मैदान छोड़कर भाग गए। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक दिन मैं उस लड़के को मुबारकबाद जरूर दूंगा। मुबारकबाद? हाँ, क्यों? उसकी जीत पर। क्या बात करे बाबूजी, जीत तो हमारी हुई है। अरे बेटी, जीत तो तुम्हारी हुई है, लेकिन उस लड़के का सहारा लेकर। राजू जी, गर्मा गर्म कचौरी और गर्मा गर्म हलवा। नहीं, नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो बेटे? नहीं, फट जाएगा, पेट फट जाएगा। गर्मा गर्म हलवा है, गर्मा गर्म हलवा। बैठो 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 बैठो, ये लो चखो, जल्दी से चखो। और ये लो कचौरी, कचौरी। पापा। लो, अरे नेहा बेटी, आओ 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 आओ। हेलो पापा। हेलो बेटी, ये है मेरी बेटी नेहा, ये सारी चीजें इसी ने बनाई है। क्या? मगर मैं तो हॉकी खेलने। हाँ हाँ बेटी, हॉकी खेलने से पहले तू ये सब बना कर गई थी। अब ये भी सारी बातें हमें राजू जी को बताने की जरूरत है। राजू जी, परिचय करवाना ही भूल गया, ये है मेरी इकलौती बेटी नेहा, और नेहा ये है हमारे छोटे मालिक धर्मराज जी के इकलौते बेटे करमराज। हेलो। हेलो। और ये है हमारी हुनरमंद बेटी, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, खाना बनाने में होशियार, सिलाई कढ़ाई में अव्वल, हाइट 5'3" और वजन 58 किलोस। I'm sorry बेटी, 48 किलोस, आजकल वो डाइटिंग कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल, आप बता रहे थे कि आपका एक बेटा भी है? वो हाँ है ना, कहाँ है वो बेटे? कहाँ? जी वो बाहर खेल रहा है। वो बाहर खेल रहा है। Thank you.
बार कहा है कि ये खिलौना नहीं है, इसे मत खेला कर। किसी दिन किसी को उड़ा देगा तो मुझे सचमुच फांसी हो जाएगी। ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ। चल बेटा, चल, चल बेटा। घबराओ मत, घबराओ मत राजू जी, घबराओ मत। ये तो जन्म से ही आधा पागल है। बहुत इलाज करवाया इसका लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या है कि ये अपने नाना पे गया। नाना? मेरी बीवी का भाव? हाँ, पागल था वो। ये मुझ पर गई है। और मेरे खानदान में कोई पागल नहीं है। क्या कहा? आया आया, ये ठीक है। वेरी नाइस फैमिली। चलिए थोड़ा टहलते हैं। चलिए चलिए ना। आप हॉकी भी खेलती हैं? जी हाँ, आप भी खेलेंगे? आप कहेंगी तो जरूर खेलूंगा। अच्छा, हाँ। किस पोजीशन से खेलते हैं आप? सेंटर फॉरवर्ड, बैक या हाफ बैक? अब गोल मारने में जहां से आसानी हो वहीं से। बड़े होशियार हैं आप। थैंक यू। किसी और दिन। क्यों? आज रात हमारे कॉलेज का फंक्शन है। अच्छा, आप भी चलेंगे? मैं? आप कहेंगी तो मैं जरूर चलूंगा। जरूर चलूंगा।
शादी खटिया। हाँ काका जी, क्या नाची थी, क्या बिजली गिराई थी, एकदम 440 वोल्ट। और वो लौंडा 840 वोल्ट से कम नहीं था काका जी। लौंडा? हाँ। ये लौंडा कहाँ से आ गया? कोई नया नया था काका जी, लेकिन खूब फोटो खींच रहा था गुड्डी की। अरे हमारी गुल बकावली हाई फोटो खिंचवाने के लायक, नहीं तो क्या घोचू, वो तेरी फोटो खींचता खटिया बिछा के। काका जी, सिर्फ फोटो खींचने की बात होती तो चलता, उसने तो उसको स्टेज पर खींच दिया और खुद गिर गई उसकी गोद में। पावर हाउस इधर और करंट उधर, क्या बकता बे तू? और नहीं तो क्या काका जी, 840 में 440 वोल्ट के झटके जो उन दोनों ने दिए हैं, मैं कहता हूँ पब्लिक के तो फ्यूज ही उड़ा दिए उन्होंने। हाय हाय हाय, एकदम अमेरिकन फिल्म थी। और ये इंडियन पिक्चर है हरामजादे, सबके सामने मेरी महबूबा के बारे में गंदी बात करता है। मैं तो सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहा था काका जी, कल ये सारा किस्सा और ये गाना बच्चे बच्चे की जुबान पर होगा। जुबान काट डालेंगे खटिया बिछा के। सिर्फ एक बार मुझे उस लौंडे की शक्ल दिखा दे। साल के बाला महीने, बाला महीनों का साल 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 साल। गुड्डी 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 गुड्डी, मेरी बदल 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 गई साल। गुड्डी गुड्डी गुड्डी, साल के बाला महीने,
बारह महीनों का साल 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 गुड्डी 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 गाना गाना नहीं नहीं तू गा अच्छा मेरी बदल गई चाल ओ रब्बा मेरी बदल बदल गई चाल अच्छा है ना हा? अच्छा है गुड्डी तू मेरे साथ खेलेगी 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 हाँ खेलूंगी अच्छा तो तू तू भाग मैं तुझे पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ पकड़ता हूँ नहीं नहीं तू भाग मैं तुझे पकड़ती हूँ हाँ तू भाग मैं भागता हूँ मैं तो डबू क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो डबू मैं गिर जाऊँगी गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा छोड़ दे क्या हुआ? उस मुए ने गिरा दिया मुझे नहीं पकड़ सकती 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 लगता है चोट ज्यादा लग गई है मैं देखता हूं ओह माय गॉड ये तो खून बह रहा है मैं पट्टी बांध देता हूं खून रुक जाएगा दर्द कर रहा है अब मैं घर कैसे जाऊंगी आइए मैं आपको छोड़ देता हूं आप मुझे छोड़ेंगे व्हाई नॉट उस दिन आपने मुझे छोड़ा था आज मैं आपको छोड़ देता हूं आइए कौन था वो मेरी सहेली नेहा का भाई है बचपन से पागल है उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है कमाल है होश वाले तो आपके दीवाने हैं ही आपने तो दीवानों को भी दीवाना बना रखा है अरे बिटिया ये पाँव में क्या हुआ कुछ नहीं मामा धोखा का साइकिल से गिर गई थी चोट आ गई अगर ये न होते तो अब तक मैं वहीं पड़ी होती भगवान तुम्हारा भला करे बेटा माधो का बाबूजी कहाँ हैं? चौधरी साहब तो फार्म पे गए हैं अच्छा तो मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे जाएंगे अंदर चलिए ना माधो का इनके पीने के लिए कुछ लेकर आइए जी बिटिया चलिए जी रहने दीजिए मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा फिर किसी दिन क्यों आज रात को क्यों नहीं आज रात को आप हमारे साथ खाना खाइए बाबूजी भी आपसे मिलना चाहते हैं मुझसे लेकिन क्यों मैंने उन्हें बता दिया कि उस दिन आपने हमें कैसे झांसी की रानी बना दिया था बहुत अच्छे तो मुझसे पहले मेरी तारीफ यहाँ पहुंच चुकी है ठीक है रात को कितने बजे न सात से पहले न सवा सात के बाद फिक्र मत कीजिए मुझे इंतजार करने की आदत है करवाने की नहीं बहुत अच्छी आदत है सी यू सी यू आओ हेलो हेलो दादी हाउ आर यू स्वीटहार्ट कौन राजू हाँ क्या हुआ गुड्डी मिली हाँ दादी मिली और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से मिली और आज रात मैं उसके घर खाने पे जा रहा हूँ अच्छा बेटा जरा होशियारी से हाँ कहीं भेद खुल गया ना तो सारा किया कराया चौपट हो जाएगा मुझे तो हमेशा फिक्र लगी रहती है अरे ये फिक्र तो बीमारी होती है डार्लिंग डोंट वरी आई एम ऑलराइट हियर अच्छा अच्छा ओके बाय अजीब इत्तेफाक की बात है बरखुरदार जब हमारी बिटिया किसी मुसीबत में होती है तुम वहां पहुंच जाते हो उसे बचाने के लिए उस दिन तुमने इसे झांसी की रानी बना दिया और आज जब उसे चोट लगी तो फिर भी वहां पहुंच गए भाई तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई करते क्या हो उस दिन मैंने बता रहा था बाबूजी जर्नलिस्ट हैं हमारे इलाके पर कोई आर्टिकल कर अच्छा। रहे हैं उस रात को हमारे यूथ फेस्टिवल में भी आए थे बहुत तस्वीरें खींची उन्होंने जी मैं तो तस्वीरें खींच रहा था लेकिन इन्होंने स्टेज पे खींच के नचवा भी दिया आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको नाचना आता ही नहीं है कमाल का नाचते हैं आप होते तो देखते अच्छा अरे भाई तुम जर्नलिस्ट भी हो फोटो भी खींचते हो नाचते भी हो और क्या क्या करते हो किस चीज में माहिर हो ये भी तो बता दो मैं क्या नाचूंगा छोड़िए लेकिन इन लोगों ने जो फंक्शन किया वो तो कमाल का था हाँ बरखुरदार
आजकल के लड़के लड़कियों में इस तरह की चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, अपने हुनर दिखाने का बड़ा शौक है। क्यों, आपके जमाने में ऐसा नहीं था? हमारे जमाने में ये यूथ फेस्टिवल कहाँ थे? हम तो ये होली के दिन, दिवाली के दिन दो चार दोस्त आपस में मिलके नाच लिया करते थे, गा लिया करते थे। लेकिन अब ना वो वक्त रहा ना वो दोस्त रहे। मैं मानता हूं वक्त नहीं रहा, मगर दोस्त तो जिंदगी भर दोस्त ही रहते हैं। मान गए दोस्तों, मैं मान गए साला, दोस्त हो तो ऐसा दोस्त। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, दोस्त भी और दोस्ती भी। बेटी जी, खाना तो बिल्कुल फीका है, मिर्ची नहीं डाली क्या? पता नहीं। माधो जी, बिल्कुल फीका खाना बना दिया तुमने, मिर्ची ले क्या जल्दी? अभी लाया चौधरी साहब। हाँ बेटे, ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस? तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे पिताजी बिजनेस करते हैं? भाई ये कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी, मैं मानता हूं कि मैं आपको बाबूजी कहूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नहीं तो कहो कहो, तुम भी तुम्हारे बेटे जैसे ही हो। बाबूजी, मैं मानता हूं कि जिंदगी माँ बाप देते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और उसे अपनी तरह से गुजारनी चाहिए। ठीक है, तुमने लीजिए चौधरी साहब। कितने चम्मच बाबूजी? एक। एक? क्यों बरखुरदार, तुम भी मिर्ची मिर्ची खाते हो कि आजकल के नौजवानों की तरह ये चॉकलेट और चुंगम ही खाते रहते हो? बाबूजी, जिस गेस्ट हाउस में मैं रहता हूँ वहां मिर्ची मिर्च मिलती है, खाना तो मिलता ही नहीं। जब कभी घर का खाना खाने का जी चाहे तो आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया बाबूजी। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। 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 फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो
जाती है मिठला के बल खाके तू कैसे कदम उठाती है कैसे कदम उठाती है कैसे कसम उठाती है ऐसे कदम उठाती है जैसे कसम उठाती है आज कोई हो जाएगा बर्बाद आज कोई हो जाएगा बदनाम हो तुझे सलाम Oh,
फूल पी बनी मेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है मेरा नाम, तुझे सलाम हो तुझे सलाम। तो क्या हमारे सपने भी आपके हो गए? जब हम ही आपके हो गए तो फिर सपनों का क्या है? सपनों का हकदार तो वो होता है जो जीने मरने का साथी होता है। अगर कोई ऐसा साथी बन जाए फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है, फिर तो बहुत अच्छा होता है। टुकड़े। हाँ काका जी। फूल तो हमारे इलाके में खिला है लेकिन इसकी खुशबू सूंघने वाले बाहर से कहां से आ गए? कलयुग है काका जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे सरकार मेरी, बाजार में ये खबर है कि इस बरस तुम्हारी चाल ही बदल गई। जरा हम भी तो देखें कैसी बदली तुम्हारी चाल। बहनों की चाल देखते हुए भाई अच्छे नहीं लगते। काका जी ये तो आपको गाली दे रहे हैं। मैं गाली कहां दे रहा हूँ, मैं तो साले को साला कह रहा हूँ। करेक्ट। अब देखते हैं कि साला ये है कि मैं टुकड़े। हाँ काका जी। यही है ना वो लौंडा जिसने तुम पर लड़कियों से गोल करवा कर फोटो खींची थी? हाँ काका जी। ए हीरो, अब गोल मैं करूंगा और फोटो ये टुकड़ा खींचेगा। टुकड़े। हाँ काका जी। पकड़ इसे जी। और ये देख गोल। ये क्या काका जी, ऐसा भी होता टुकड़े? काका जी एक फोटो टुकड़ा ही मर गया। आई फोटो खींचेगा? नहीं नहीं आप खींचिए, आप खींचिए। आई बच्चों मारेगी। नहीं मारूंगी तो बाहर निकल, फिर लाएगा अपने बाप को। मेरे बाप की तौबा। अरे बाप रे बाप। अरे प्लीज प्लीज हिलो मत, सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। आई वॉन्ट यू आईज ओनली प्लीज। वाह
सिर्फ मेरी आंखों की तस्वीर क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो सारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मेरी आंखें बोलती हैं? क्या बोलती हैं? बोलती हैं, गोपाल, वी लव यू, हमें तुमसे इश्क है। अगर यही बात मैं अपने जबान से कहूं तो मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनकही बातें कही हुई बातों से ज्यादा अच्छी होती हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ? नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। उस पहाड़ी पे बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हाँ, ये भगवान शंकर का मंदिर है, इसे मुनिराज मंदिर भी कहते हैं। मुनिराज मंदिर? मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है। यहाँ सच और झूठ के फैसले होते हैं। यहाँ के लोग मुनिराज के फैसले पर बेहद विश्वास करते हैं। लगता है आज भी कोई मुनिराज के मंदिर में सच और झूठ का फैसला करवाने आया है। गुड्डी, चलो वहां चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मुनिराज फैसला कैसे करते हैं। चलो चलो। बाबा, ये गंगाधर अपनी बीवी को घर से निकाल रहा है और ये कहता है, बोल रहे गंगाधर, क्या कहता है? हे मौनी बाबा, एक उल्टा है, एक चरित्र अच्छा नहीं है, हम एक घर में नहीं रखेंगे मौनी बाबा। बोल रमिया, तू क्या कहती है? बाबा, ये किसी ना किसी बहाने मुझे घर से निकालना चाहता है बाबा, क्योंकि ये दूसरी औरत से शादी करना चाहता है बाबा, ये खुद पापी है। बाबा, अब आप ही फैसला कीजिए, इन दोनों में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बोलता है, ले चलो गांव वालों इसे। एक नारी पर झूठा इल्जाम लगाने का अंजाम क्या होता है, अब हम इसे बताएंगे। चल, ले चलो। मुनि बाबा के सामने झूठ बोल रहा है। बाहर चल। माफ कर दो, मुझे मत मारो। दिखाते हैं। मुझे माफ करो। देखा, मुनि बाबा कैसे इंसाफ करते हैं। कमाल है, आजकल की दुनिया में यहाँ के लोग ऐसी चीजों पर यकीन रखते हैं। यकीन नहीं, पूरा विश्वास। यानी मुनि बाबा से कोई भी सवाल पूछ लो, वो बता देंगे सच है या झूठ है। हाँ, मसलन मुनि बाबा ये भी बता सकते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है या झूठा। कहो तो पूछ लूं। तुम्हें शक हो तो पूछ लो। मुझे कोई शक नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं। आई लव यू। भगवान, जब गुड्डी को पता चलेगा कि मैं गोपाल नहीं राजू हूं तो ना जाने क्या होगा। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, अरे लड़की, तेरे बाप की इतनी बड़ी कपड़े की मिल है, उसके पास तेरे पहनने को कपड़े नहीं है, नंगी घूमती है, शर्म नहीं आती? दादी माँ, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि राजू कहाँ है। बाहर गया है। कहाँ गया है? अब मुझे क्या मालूम, बाप के काम से गया है, उसे जाके पूछो। किटी,
हाँ ये क्या किया तुमने, खामखोश बच्ची को डांट दिया। उसके भले के लिए ही तो कहा। ओफो माँ, तुम तो बहुत ही पुराने जमाने की बातें करती हो, आजकल भला ये सब कहाँ चलता है। पुरानी तो ये धरती भी है बेटा, कह दे कि ये भी किसी काम की नहीं रही। माँ एक तुम और एक वो तुम्हारा लाडला पोता, दोनों से पार पाना मुश्किल है। साहबजादे तीन दिनों से जाके बैठे हुए, ना कोई खबर, ना कोई टेलीफोन, ना कोई चिट्ठी। अपना को समझता क्या वो? मैं क्या जानू, तुम जानो, नए जमाने का बाप नए जमाने का बेटा। ठीक है माँ, मैं खुद ही पता करता हूँ। हेलो संतोष स्पीकिंग। हाँ संतोष। हेलो सर, हाउ आर यू सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते, राजू को बुलाओ। राजू जी, सॉरी सर सॉरी, राजू जी। क्या अंकल? पापा का फोन है। मेरे पापा का? पर उनको तो मरे हुए। मेरी पापा का फोन है, मुझे लगा मेरे नाना का फोन है, क्योंकि उनको मरे हुए 15 साल हो गए थे ना, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था। आउट। हाँ सॉरी। हेलो। अरे राजू कैसे हैं आप? डैड तेरी आवाज को क्या हो गया है? सांप सूख गया है। वो थोड़ी सी। अरे तेरी तबीयत कैसी है बेटा? वो ठीक है लेकिन थोड़ी सी सर्दी की वजह से वो। अरे भाई सर्दी लग गई है तो किसी डॉक्टर को बुलाओ, अच्छी सी दवाई लो। ले लूंगा डैड। और बेटा वो तेरा काम कैसे चल रहा है? कौन सा काम? अरे भूल गया, वो तेरा 100% एक्सपोर्ट वाला भाई। वो एकदम 200% चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना और काम का ख्याल भी रखना। लाइन कट गई। राजू अब मारे गए बेटे अभी। राजू राजू ए राजू राजू नहीं, गोपाल गोपाल गोपाल। I'm sorry। अब बता क्या तकलीफ है, बकरी के बच्चे की तरह क्या मेहमान आ रहा है? बकरी? अबे भूचा लाया था। भूचा लाया था? हाँ। संतोष अंकल के घर पे? बिल्कुल वहीं पे आया था। अरे तेरे पापा का फोन आया था। पापा का फोन आया था? हाँ। फिर क्या हुआ? अरे इस दफा मैंने तो किसी भी तरह खास कर आवाज बदल कर बात को संभाल लिया, लेकिन लेकिन कब तक यार? अरे जब तक मैं कहूँ। ये देख मैंने दादी को चिट्ठी लिख दी है, वो वहां सब कुछ संभालेगी, बाकी हमने यहाँ तो सब कुछ संभाला ही हुआ है। क्या खाक संभाला हुआ है? खुद तो यहाँ पर इश्क के लड्डू खा रहा है और मुझे वहां पर लोहे के चने चबा रहा है। अच्छा बच्चू, नेहा लोहे के चने हैं? वो तो मक्खन का पेड़ा है। अच्छा मक्खन का पेड़ा है। बच्चू खाना कम लगाना ज्यादा, समझे? चल। अरे नहीं, अबे नहीं, मेरा दिल है, मेरी दुनिया है, मेरी जन्नत है, मेरे महबूब मेरे हमराही। आरज़ू ने तो मुझे जंगली बना दिया। जंगली हटो जी, बच्चे बड़े हो गए मगर तुम्हारी मस्ती अभी तक नहीं गई। अच्छा ठीक है। आ गले लग जा मेरी बॉबी। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ हो? मैं तो समझी थी तुम वहाँ हो। मैं यहाँ हूँ। चलन पे भगवान जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मार खाने से बचा ले भगवान जी, पर अपने मार के पैर।
वादी, मुझे माफ कर दीजिए वादी, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपको आने वाला जवाई हूँ, आपकी चरणों में मेरा स्वर्ग है। अरे बाप रे, अरे तुमको शर्म नहीं आती माँ को बेटी और बेटी को माँ समझते हो? गलती हुई, माँ कर दो ना, कर दो ना माँ, कर दो ना। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्यार मोहब्बत। आए आए आजा आजा ना। बात बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। गोपाल। नमस्ते माधो काका। जीते रहो बेटा, गुड्डी तो घर में नहीं है, वो अपने बाबूजी के साथ घाट पर श्राद्ध के लिए गई। श्राद्ध? हाँ, आज उसकी माँ की पहली बरसी है बेटा। पानी की धारा फूलों को बहाकर दूर ले जा रही है, इसी तरह समय की धारा भी तुम्हारी मां को हमसे दूर ले गई। तुम्हारी मां की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे लिए एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देख लो एक साल बीत गया और हम आज भी जिंदा है। नहीं बेटी, रो मत, वक्त तो गुजर ही जाता है बेटी, लेकिन जख्म तो जख्मी रहते हैं, वो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते बेटी। चलो चलो घर चले। नहीं बाबूजी, आप चलिए, मैं थोड़ी देर मां की याद में बैठूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ। तुम्हारे घर गया था, वहां पता चला आज तुम्हारी मां की बरसी है। क्या हुआ था तुम्हारी मां को? क्या वो बीमार थी? नहीं गोपाल, मेरी मां को सपने खा गए। सपने? मैं कुछ समझा नहीं। बहुत पुरानी बात है, तब मैं बहुत छोटी थी, मेरी
मेरे बचपन में ही सगाई हो गई थी। मेरे बाबूजी के दोस्त धर्मराज के बेटे राजू के साथ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, माँ की आंखों में भी एक सपना बड़ा होता गया कि मैं राजू की दुल्हन बनूंगी, धर्मराज की बहू बनूंगी। पड़ोस की औरतें माँ से पूछती थी कि सावित्री, तेरी बेटी अब जवान हो गई है, उसके लिए कोई लड़का देख। तो माँ कहते कि मैं क्यों अपनी बेटी के लिए लड़का देखूं, उसे तो सिर्फ अपने ससुराल जाना बाकी है बस। फिर जिस दिन बाबूजी मेरी शादी की बात पक्की करने गए, उस दिन माँ तो मुझे दुल्हन बनाकर ही बैठ गई। रानी लग रही है मेरी बेटी, भगवान करे किसी की नजर ना लगे। ओफो माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आज ही मेरी डोली जा रही है। अब दिन ही कितने हैं, तेरे बाबूजी गए तो हैं तेरी शादी की तारीख पक्की करने। मुझे बड़ी उलझन हो रही है, अब उतार दूं? नहीं, पहले मुझे ठीक से देख लेने दे। भरोसा नहीं होता मेरी गुड्डी इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। अब कल ही की तो बात थी, अपने नन्हे नन्हे गुलाबी हाथों से मेरी उंगली पकड़ लेती थी और छोड़ती नहीं थी। अब इन्हीं हाथों में कल मेहंदी लग जाएगी। मैं तुझे एक चीज दिखाती हूं, ठहर। ये देख बेटी, ये कंगन मेरी माँ ने मुझे दिए थे और मेरी माँ को उसकी माँ ने। ये सुहाग के कंगन हैं जो हमारे खानदान में हर माँ अपनी बेटी को देती है। कितने सुंदर हैं। आप आ गए? कौन सी तारीख पक्की हुई? राजू कब आएगा अमेरिका से? माँ जी कैसी हैं? अच्छी हैं। और देवर जी? वो भी अच्छे हैं। मेरी बनाई हुई बढ़िया अचार पसंद आई? मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। क्या बात है, इतने उदास लग रहे हैं? आप तो शगुन की तारीख पक्की करने गए थे, कौन सी तारीख पक्की हुई? अभी तक कोई तारीख पक्की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आप वही तो करने गए थे। हाँ, गया तो था, लेकिन पक्की नहीं हुई तो मैं क्या करूं? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, ठीक ही तो है, ठीक क्यों नहीं होगा? ठीक नहीं है, 25 साल हो गए हमारी शादी को, आज तक आपने मुझसे झूठ नहीं बोला, आज क्यों बोल रहे हैं? सच बताइए ना, क्या बात है? धर्म ने वो रिश्ता तोड़ दिया। वो अपने बेटे की शादी कहीं और करना चाहता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इतना पुराना रिश्ता, इसको तो मौनी बाबा का आशीर्वाद था। सावित्री, 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 गुड्डी, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ डॉक्टर को। राजू आ गया, बारात आ गई। माँ, तो पानी पी लो माँ। राजू आ गया,
सावित्री, 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 क्या हो गया बाबूजी? और वही कंगन जो मेरी माँ बड़े शौक से मेरे हाथों में मुझे दुल्हन बनाकर पहनाना चाहती थी, उसके बेजान हाथों में थे। इतनी दर्दनाक मौत? मौत नहीं गोपाल, कत्ल। मेरी माँ मरी नहीं, मार डाली गई। धर्मराज और उसके बेटे ने मेरी माँ को मार डाला, मार डाला। हौसला रखो गुड्डी, वक्त गहरे से गहरे घाव भी भर देता है। नहीं गोपाल, ये घाव ऐसा नहीं जो कभी भर जाए, और मैं इस घाव को कभी भरने भी नहीं दूंगी। कई बार सोचती हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार उस धर्मराज का बेटा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला दबा दूं, उसे गोली मार दूं, ताकि जिस तरह मैं अपनी माँ के लिए जिंदगी भर तड़पती रहूंगी, उसी तरह उसका बाप भी अपने बेटे के लिए जिंदगी भर तड़पता रहे। आज मेरी पूजा, मेरी आरती मुझसे रूठ गई है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैं नहीं जानता था गुड्डी को मेरे बाप के लोभ की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, वरना मैं आने की हिम्मत ही नहीं करता। मैंने तो सोचा था रिश्ते का एक पुल टूट गया है जिसे मुझे जोड़ना है, पर मैं ये नहीं जानता था उस पुल के नीचे गुड्डी की माँ की लाश दबी हुई है। मैं क्या करूं? बाबा आप ही फैसला कीजिए, मेरा रास्ता झूठा है या सच्चा। अगर मेरा रास्ता झूठा है मैं यहीं से चला जाऊंगा, और अगर मेरा रास्ता सच्चा है मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ जाऊंगा।
को भूल बैठा हूँ मैं अपने आप को। याद एक पल में तुझे सौ बार करता हूँ, सबसे ज्यादा तुझ पे ऐतबार करता हूँ, सबसे ज्यादा तुझ पे ऐतबार करता हूँ। उल्लू के पट्टे लग जाता तो तू मर जाता। फिर ऐसा शब्द मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगी। चल निकल जाए यहां से, चल। तेरे बाप की शादी हुई थी, तेरी माँ की शादी हुई थी, अब तेरी बहन की शादी होने वाली है, फिर तेरी शादी होगी। किससे? गुड्डी। अरे गुड्डी के साथ कैसे शादी करेगा, वो तो उस हराम ज्यादा फोटोग्राफर के साथ घूमती है। गुड्डी के साथ शादी करेगा? एक काम कर, ये फोटो ले, पकड़ हाथ में, और वो सामने देख, गुड्डी का बाप खेतों में काम कर रहा है। देखा देखा, अब एक काम कर, ये फोटो जाकर उसके ट्रैक्टर में रख दे। वो ये फोटो देखेगा, उसे गुस्सा आएगा और वो फोटोग्राफर को गोली मार देगा और वो मर जाएगा। उसके बाद तेरी शादी गुड्डी के साथ हो जाएगी। अब एक काम कर, ये चुपके से जाके वहां रख दे और सीधे घर चले जाना। चल जा, जा, जा। चौधरी साहब, हरन बजाने से गाय भैंसे तो हट जाएंगी, लेकिन बेटी का लगाया हुआ कलंक माथे से कैसे हटाओगे? अरे भाई, खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है,
हमें तो डर लगता है कि गुड्डी की देखा देखी सारे गांव की लड़कियां नहीं खराब हो जाएं। अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उसे गोली से उड़ा देता। भाई मुझे तो लगता है बेटी बाप की मर्जी से इश्क कर रही है, वरना ये चुप रहना। चौधरी साहब, चौधरी साहब, आप छोड़ दीजिए इसे, आप छोड़ दीजिए। हराम जाते शरम नहीं आती तेरे को? चौधरी साहब की इज्जत कीचड़ उछालता है। अरे चौधरी साहब की इज्जत हमारी इज्जत है, हमारे गांव की इज्जत है, बेशरम कहीं के। चौधरी साहब आप जाइए, मैं इन सब की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप जाइए चौधरी साहब। ए चल भैंसों को हटा यहां से, चल हट 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 हट। आज भैंसों को अच्छी घास खिलाना, अच्छा। चल जा यहाँ से। काका जी मजा आ गया। अरे मजा तो अब आएगा, कैसे? खटिया बिछा के। ये क्या है? मैं पूछता हूँ ये क्या है? बोलती क्या नहीं, क्या सच है? बेशरम बेहया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि चौधरी बलराम की तरफ कोई उंगली भी उठा सके, लेकिन आज सारा इलाका चौधरी बलराम के नाम पर थूक रहा है। चौधरी बलराम की इज्जत एक गंदा मजाक बन के रह गई है सारे गांव में, सारे इलाके में, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मेरे मुंह के ऊपर तमाचा मार देती तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन लेकिन आज तूने मेरे विश्वास के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। बोल, बोल ऐसा क्यों किया तूने? क्यों किया? बाबूजी, मैंने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है। गोपाल भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन यकीन मानिए बाबूजी, जो गंदगी उस कागज में है हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं खुद मौका देकर आपसे बात करना चाहती थी, मुझे लगा आप गोपाल को पसंद करते हैं, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात कर पाती, इस ढंग से ये बात आपके सामने आ गई। आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं था बाबूजी, आपका विश्वास तोड़ने से पहले मैं खुद मर जाऊंगी, आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले मैं खुद मिट्टी में मिल जाऊंगी। फिर भी ये तरीका कोई शरीफों का तरीका नहीं है, मैं अभी गोपाल से फैसला करके आता हूं। बाबूजी आप, मेरा कसूर क्या है? सारे गांव के सामने मेरी बेटी को बदनाम किया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और पूछती है तुम्हारा कसूर क्या है? आपको गलतफहमी हुई है बाबूजी, मैं तो आपकी इज्जत को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं। तुम मेरी गुड्डी से प्यार करते हो? जी बाबूजी। उससे शादी करना चाहते हो? जी बाबूजी। तो फिर यह कोई तरीका है? अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो मेरे पास आते, मैं खुद चल के तुम्हारे पिताजी के पास जाता और हम दोनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी का, तुम्हारी शादी का फैसला करते, इसमें हमारी भी शान होती और तुम्हारे खानदान का भी नाम होता। मैं माफी चाहता हूं बाबूजी, मगर मैं आपको अपने बाप के पास लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? वो दिन गए बाबूजी, जब लड़की वाले लड़के वाले के दरवाजे पर रिश्ते की भीख मांगने जाया करते थे। लड़की के बाप की भी कोई मर्यादा होती है, मैं अपने रिश्ते के लिए अपने बाप को आपके दरवाजे पर लेकर आऊंगा। ठीक है, जब तक तुम अपने बाप को मेरे पास लेकर नहीं आओगे, तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और ना ही गुड्डी से मिलोगे। गोपाल, गुड्डी। ये क्या गोपाल, तुम मुझे मिले बगैर ही जा रहे हो? मैंने बाबूजी को वचन दिया है। मैं जानती हूँ बाबूजी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे हैं। गोपाल कब तक लौटाओगे? तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। बस आज गया, कल का दिन, परसों लौटाऊंगा। गुड्डी अपना ख्याल रखना।
राजू तू आ गए बेटे, वेलकम सन वेलकम, बैठो। क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए, क्या पियोगे? वही जो आप पी रहे हैं। विस्की? वो कब से भाई? आज से, बल्कि अब से। मैंने अपने आप से वादा किया था डैड कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और अगर कभी पीऊंगा तो आपसे छुप के नहीं, बल्कि आपके साथ, आपके सामने, मैन टू मैन। वाई नॉट, वाई नॉट। मैं अपने बेटे के लिए ड्रिंक खुद बनाता हूं। लेट्स सेलिब्रेट योर ड्रिंक। I hope you don't mind. Perfectly all right. Go ahead. Cheers. Cheers, son. बेटे, आज कुछ सब कुछ अनहोना हो रहा है। Dad, अनहोना तो बहुत पहले हो चुका है। अब तो जो होना चाहिए वो हो रहा है। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मैं आपसे अपनी शादी की बात करने आया हूं। शादी की बात तो तय हो चुकी है, अब तू आ गया है, तारीख भी पक्की कर देते हैं। और किटी भी तेरा इंतजार कर रही है। डैड, किटी नहीं, मैं गुड्डी से शादी करना चाहता हूं। गुड्डी? यस डैड, गुड्डी, द डॉटर ऑफ योर डियर फ्रेंड बलराम चौधरी। तो गुड्डी को कब से जानता है? हजार साल से, जब मैं 6 बरस का था और गुड्डी 4 बरस की। डैड, मैं गुड्डी को सिर्फ जानता ही नहीं, मैं उसे प्यार करता हूं, वो मेरी जिंदगी है। ओ, तो ये सब बलराम की चाल है, उसी ने तुझे उकसाया है। बलराम काका ने कुछ नहीं किया डैड, मैं वहां खुद गया था, टूटे हुए जज्बात जोड़ने, उस वचन का मान रखने जो आपने 16 साल पहले दिया था। 16 साल पहले? मैं आज में जीता हूं बरखुरदार, और आज के सीने पे आज के सवालों का वजन इतना है कि कल की फिक्र कौन करे। और वो कमबख्त चीज जिसे मर्द की जबान कहते हैं, उसका क्या डैड? जबान, वादे, वचन, ये सब क्या है? सिर्फ चंद लफ्ज ही तो हैं बरखुरदार। जिंदगी इतनी तेजी से बदलती जा रही है कि अपनी जगह पे खड़ा रहने के लिए भी इंसान को दौड़ते रहना पड़ता है, और दूसरों से आगे निकलने के लिए तो और तेज भागना पड़ता है। इतनी तेजी से बदलती हुई जिंदगी में इन लफ्जों की क्या कीमत, क्या अहमियत? जैसे वक्त की आंधी में उड़ते हुए चमकते हैं पत्ते। क्या बदला डैड? कुछ भी तो नहीं बदला। चांद और सूरज आज भी वहीं से निकलते और डूबते हैं जहां से करोड़ों साल पहले निकलते और डूबते थे। मौसम वैसे ही बदलते हैं, हवाएं वैसे ही चलती हैं, पानी वैसे ही बहता है। कुछ नहीं बदला डैड, कुछ नहीं बदला है। तो सिर्फ आदमी बदला है जिसकी खुदगर्जी ने उसकी इंसानियत और उसकी जबान दोनों छीन ली है। हां हां, मैं खुदगर्ज हूं। हर बाप को अपने बच्चों के लिए खुदगर्ज बनना पड़ता है, और उसे बनना चाहिए। मैंने जो कुछ भी किया तेरी खुशी के लिए किया, तेरी भलाई के लिए किया। तो ठीक है डैड, आज मेरी खुशी इसी में है कि आप मेरे साथ बलराम काका के पास चलकर मेरी और गुड्डी की शादी तय कर दें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों डैड? क्योंकि मैंने राजेश्वर दयाल को वचन दिया है। वचन, जबान, वादा, ये सब क्या है डैड? चंद लफ्ज ही तो हैं। लव 16 साल पुराने हो या 6 महीने पुराने, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखना चाहता है क्या फर्क पड़ता है? तो मैं तुझे दिखाता हूं क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये फर्क पड़ता है। ये क्या है डैड? खुद पढ़ लो, रीड इट फॉर योरसेल्फ।
गो अहेड। थैंक यू डैड। आज तक मुझे अपनी कीमत मालूम नहीं थी, अच्छा हुआ आपने बता दी। डैड, वैसे राजेश्वर दयाल जी की हैसियत कितनी होगी? यही कोई 200 करोड़ के ऊपर। 200 करोड़, वेरी गुड, बिग मनी डैड। डैड, अगर कल कोई 300 करोड़ की आसामी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ जाए तो आप किट्टी से मेरा रिश्ता तोड़कर उससे जोड़ दोगे, और अगर परसों कोई 500 करोड़ की आसामी आ जाए तो आप मेरा रिश्ता उससे जोड़ दोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? डैड, आप मुझे कब तक बेचते रहेंगे? मैं अपनी कीमत जानना चाहता हूं डैड। डैड, आई वांट टू नो माय प्राइस। व्हाट इज माय लास्ट प्राइस डैड? क्या है मेरी कीमत डैड? मेरी आखिरी कीमत क्या है डैड? बताइए डैड, मुझे मेरी आखिरी कीमत क्या है? ये तुम्हारी कीमत नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है, ये वो सब कुछ है जो मैंने चाहा है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए मेरे सपने। डैड, ये रहा मेरा भविष्य और आपके सपने। क्या किया तुमने? पर कोई जवाब नहीं होता डैड, इसका मतलब आपके पास कोई जवाब नहीं। थैंक यू डैड, मैं जा रहा हूं। गुड बाय। राजू, ये लाइट को क्या हुआ? लाइट जलाओ।
बाबा गोपाल अभी तक नहीं आया, उसका इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं। कब आएगा मेरा गोपाल बाबा? ये क्या बाबा, गोपाल नहीं आएगा? गोपाल ठीक तो है ना बाबा? बाबा, मोनी बाबा ने सच कहा है गुड्डी। गोपाल तुम आ गए, गोपाल तुम आ गए। फिर बाबा ने झूठ क्यों बताया? बाबा ने झूठ नहीं, सच बताया है गुड्डी। जो आया है वो गोपाल नहीं। गोपाल, तुम गोपाल नहीं हो? नहीं। ये क्या मजाक है? भगवान के सामने जो कुछ भी कहा जाता है वो मजाक नहीं, सच होता है गुड्डी। मैं गोपाल नहीं हूं। गुड्डी, मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए उतनी दर्दनाक होगी जितनी कि तुम्हारी मां की मौत मेरे लिए थी। मगर जो सच है वो सच है कि मैं गोपाल नहीं हूं गुड्डी, मैं राजू हूं। वो राजू जिससे तुम्हें बेइंतहा नफरत है, वो राजू जिसके साथ बचपन में तुम्हारी सगाई हुई थी, वो राजू जिसका बाप धर्मराज तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार है। मत छो मुझे। यहां आप ही ने तो कहा था घर का खाना खाने को दिल चाहे तो चले आना। कुत्ता भी होता तो शायद मैं उसे वापस नहीं लौटाता, लेकिन तुम, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूं, तू खुद ही यहां से चला जा। बाबूजी, खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा तो। चुपचाप तू यहां से चला जा वरना तेरी लाश तेरे बाप को भेजनी पड़ेगी। मैं अपने बाप को छोड़ आया हूं, अब मेरी लाश पर मेरे बाप का कोई हक नहीं। आप चाहें तो मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। क्या बात सुनाना चाहता है तू? मैंने तेरे बाप की बात भी सुनी थी, उसका भरोसा किया था मैंने, लेकिन मुझे मिला ही क्या? मेरी जिंदगी में मुझे एक ही जख्म काफी था और फिर तू आ गया, और तू अपना नाम बदल के, अपनी असलियत बदल के मेरी बेटी के जज्बात के साथ खेलता रहा। तुझसे तो तेरा बाप ही अच्छा था, उसे रिश्ता तोड़ दिया लेकिन झूठ नहीं बोला, और तूने मेरी बेटी को झूठ के सिवा दिया ही क्या है? हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, ना आप ना गुड्डी। मैं कबूल करता हूं कि मैंने झूठ बोला, लेकिन धोखा देने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बाप का दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए। जब तक मैं झूठ बोलता रहा आप सबकी नजरों में सच्चा था, और आज जब मैं सच बोल रहा हूं आपकी नजरों में झूठा हूं। यह रिश्ता मेरे बाप ने तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं गुड्डी से प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है, यहां तक कि आप मुझे पसंद करते हैं, फिर आज अचानक मैं कसूरवार कैसे हो गया? तेरा कसूर यह है कि तू धर्मराज की औलाद है, और मुझे धर्मराज की औलाद तो क्या, उसकी परछाई से भी नफरत है। Thank you.
बाबूजी, मैं जब से पैदा हुई हूं आपके दुखों का कारण रही हूं। मेरी वजह से आपकी दोस्ती टूटी, मेरी वजह से मां मरी, मेरी वजह से आपको इतनी बदनामी और अपमान सहना पड़ा। लेकिन अब मैं आपको और दुख नहीं देना चाहती। अब जहां कहीं मैं चली जाऊंगी, अब जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, मैं किसी भी कीमत पर आपको खुश देखना चाहती हूं बाबूजी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूं। चौधरी साहब, हमारी दिली ख्वाहिश तो यही थी कि आपकी बेटी हमारे घर की शोभा बने, लेकिन आप इतने बड़े जमींदार, मैं मामूली सा दुकानदार, आपका इतना ऊंचा खानदान देखकर ये बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। रिश्ते खानदानों से नहीं होते लाला जी, दिलों से होते हैं। आपने हमारी इज्जत रख ली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं भाई साहब, इज्जत तो आप हमारी बढ़ा रहे हैं, अपनी इज्जत को हमारी इज्जत बनाकर। लाला जी, मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। आप कहें तो हम कल ही बारात लेकर पहुंच जाएं, क्यों मुन्ना? अब आप बुजुर्गों के बीच भला मैं क्या बोलूं? तो ठीक है, तो मैं आज ही पंडित से मिलकर सबसे पहला मुहूर्त निकलवाता हूं। अब मैं चलता हूं, नमस्कार। चौधरी साहब, मुंह तो मीठा करते जाइए। जी नहीं लाला जी, हम तो बेटी के ससुराल वालों का पानी तक नहीं पीते। मैं चलता हूं। बेटा पांव छुओ। अरे नहीं नहीं, नहीं, जीते रहो जीते रहो, मैं चलता हूं। नमस्कार नमस्कार। मुबारक हो बापू। अब देर मत करो, मेरे सर में सेरे के लिए खुजली हो रही है। कव्वे की चोंच में मोती लगेगी गुड्डी तुम्हारे साथ। तू खुशकिस्मत है, बड़े घर में रिश्ता हो रहा है। सुधार सुधार अपने आप को, अपना चाल। अरे छोड़ो भी, शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, आप भी तो वैसे ही थे। अरे तुम तो मुझ पर। दुनिया क्या जाने, हम एक दूजे के दीवाने।
हम दोनों हैं यार पुराने, दुनिया क्या जाने, हम एक दूजे के दीवाने, दुनिया क्या जाने। कसूर क्या है? लफंगा मवाली दारू पीकर पब्लिक के अमन चैन में खलल डालता है और सरकार से पूछता है कि मेरा कसूर क्या है। अंकल, दादी माँ, अंकल, दादी माँ, अंकल, क्या हुआ? गोपाल, क्या क्या बात है? दादी माँ, राजू को बचा लीजिए, राजू को बचा लीजिए वरना वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। गोपाल, राम क्या हुआ राजू को? अंकल, बलराम चौधरी और गुड्डी ने उसे टुकरा दिया। राजू इस हालत में है कि वो कुछ भी कर सकता है, ये तो गुड्डी के गम में मर जाएगा या फिर चौधरी के कान में से मार डालेंगे। अंकल, राजू के दोनों तरफ मौत ही मौत है, उसे बचा लीजिए, राजू को बचा लीजिए, अंकल राजू को बचा लीजिए। देखा धर्म, तूने क्या किया? तेरी खुदगर्जी का पेट इतना बड़ा हो गया है कि आज तेरी ही औलाद को खा जाना चाहता है। औलाद के लिए तो लोग मन्नतें मानते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंदिर मंदिर दरगाह दरगाह भटकते हैं, औलाद के लिए जीते हैं, औलाद के लिए मरते हैं, लेकिन आज तेरी ही औलाद तेरी ही वजह से मौत के दरवाजे पर खड़ी है। धर्म, खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनकी अर्थी को बच्चे कंधा देते हैं, लेकिन बदनसीब होते हैं वो माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। अबे जा गनिया सेठ के ढाबे से दो ठंडी बियर की बोतल लेकर आ। सरकार, श्रीनिवास, टुकीराम, रामचंद्र सबको आपने शादी वाले घर में इंतजाम पर भेज दिया सरकार। अरे हाँ साला, मैं ही भूल गया। चलो ठीक है, जा तू ही लेके आ, मगर जल्दी आना, अगर बियर गर्म हो गई तो सरकार तुझे ठंडा कर देगी। जाओ। जी सरकार। क्यों बे बजनू, क्या हाल है तेरा? अबे घबरा मत, आज शादी हो जाए कल तुझे भी छोड़ देंगे। शादी? किसकी शादी इंस्पेक्टर? अरे उसी गुड्डी की जिसके इश्क में तू मजनू बनकर गाने गाता फिरता था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। बोला ना तुझे कल छोड़ देंगे साला। इंस्पेक्टर आपको मजाक सूझ रहा है, अगर गुड्डी की शादी होगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा इंस्पेक्टर।
मैं गुड्डी के बिना जी नहीं सकता इंस्पेक्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। मुझे जाने दीजिए। अबे गुड्डी की शादी में कोई खलल ना पड़े इसलिए तो तुझे यहाँ बंद किया है, और तू है कि मुझे बोलता उसकी शादी रोकने के लिए तुझे जाने दूं। तू सचमुच में पागल है साला। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू इंस्पेक्टर। अबे ओ कुत्ते कमीने, अबे ओ सुअर की औलाद। किसको कहा कुत्ता कमीना बे? अबे तुझे हरामजादे, तेरे सिवा कोई है यहाँ? यो बास्टर्ड, यो सन ऑफ अ बिच, तेरी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा कुत्ते। अबे हिम्मत है तो हाथ लगा के देख, अभी दिखाता हूँ तुझे। तेरी तो फूलों के हार आ गए ना? जी हाँ, सब आ गए हैं। वेरी गुड। अरे वहां नहीं, यहाँ लाओ ना। और क्या क्या चाहिए? सुनो भाई, ये कुर्सियां जो है ना वो वहां लगा दो। शाबाश बलराम। जुग जुग जियो बेटे, गुड्डी की शादी कर रहा है। आपको किसने खबर दी? गुड्डी की शादी की खबर तो यहां आकर मिली। हम तो राजू की बर्बादी की खबर सुनकर यहां आए थे। बलराम, मेरा बेटा कहां है? हवालात में। बलराम, ये नाराजगी तो तुम्हारी मेरे साथ थी, मेरे बेटे से बदला क्यों ले रहे हो? सांपों की औलादें सांपों से कम जहरीली नहीं होती। तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को, तुम दोनों ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। बलराम, तुम्हारी बदनामी का मुआवजा तो मैं नहीं दे सकता, अगर तुम चाहो तो अपने बेटे की रिहाई की कीमत जरूर दे सकता हूं। कीमत? तुम कीमत देना चाहते हो धर्मराज? तो लाओ उन आंसू की कीमत जो इस सीने में पत्थर बनकर रह गए हैं। उन अरमानों की कीमत दे सकते हो जिन्हें मेरी बेटी मेहंदी की तरह 15 साल तक अपने हाथों में रचाती रही और तुमने एक पल में उसे पोंछ डाला। मेरी बीवी को उन सपनों की कीमत दे सकते हो, वो सपने जो उसकी आंखों की रोशनी थी और तुमने वो रोशनी छीन ली। बहुत घमंड है, बहुत नाज है तुम्हें अपनी दौलत पर, तो जाओ अपनी दौलत से उन सपनों को वापस लेकर आओ और मेरी बीवी को वापस लेकर आओ जो इस दुनिया में नहीं है। सावित्री इस दुनिया में नहीं है बलराम।
ये क्या हो गया बलराम? ये कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ हो गया और तुमने मुझे खबर नहीं दी? तुम्हें खबर देता जो उसकी मौत का कारण थे? बलराम, मैं खुद गरज हो सकता हूं, मगर हत्यारा नहीं। सावित्री तुम्हारी पत्नी थी, गुड्डी की मां थी, तुम मेरी भी भाभी थी बलराम। खबरदार धर्मराज, जिस दिन तुमने राजू और गुड्डी का रिश्ता तोड़ा था उसी दिन हमारे रिश्ते टूट गए थे, और जिस दिन मेरी सावित्री की चिता को आग लगी थी मेरे तुम्हारे बीच सब कुछ जलकर राख हो गया था। इसके पापों की सजा इन दो मासूम बच्चों को मत दे बलराम। हाँ बलराम, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम जो चाहे मुझे सजा दो, मगर मेरे बेटे की खुशियां मेरी झोली में डाल दो मेरे भाई। पहले अपने बेटे की रिहाई मांग रहे थे और अब अपने बेटे की खुशी। तुम्हारी खुदगर्जी की कोई इंतहा नहीं है धर्मराज। खुदगर्जी नहीं बलराम, मेरी बर्बादी की। देख, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ खो दिया। अपना दोस्त खो दिया, अपनी भाभी खो दी, अपना बेटा खो दिया। आज आज मुझसे बड़ा कंगाल कोई नहीं है बलराम। मैं अपने बेटे की खुशियां तुमसे इसलिए नहीं मांग रहा कि वो मेरा इकलौता बेटा है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने बाप का वचन पूरा करने के लिए सारी दौलत को लात मार दी। मैं जिंदगी भर पैसों की झंकार सुनता रहा, मगर उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। बलराम, उसे अपने सीने से लगा लो। धर्मराज, इससे पहले कि मेरी आंखों में खून उतर आए तुम यहां से चले जाओ। ऐसा मत कर बलराम, एक अनर्थ हो चुका, एक और अनर्थ मत कर, ये शादी रोक दे। ये आप कह रही हैं मां जी? एक बेटी की दो बाराते नहीं आती, ये मुझसे ज्यादा आप जानती हैं। आप तो हमारी सभ्यता हमारी परंपरा की प्रतीक हैं, और आप कह रही हैं कि शादी रोक दो ताकि बेटी की डोली उठने से पहले एक बाप की अर्थी उठ जाए। नहीं बलराम नहीं, तुम्हारी एक जिंदगी पे मेरी हजार जिंदगियां कुर्बान। मेरे दोस्त, तू खुश रहे, गुड्डी खुश रहे, बस मेरा बेटा मुझे वापस दे दे, मैं उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से चला जाऊंगा। धर्मराज, तुम जब भी आए हो कुछ लेकर ही गए हो, और आज भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। आओ मेरे साथ। चौधरी साहब, चौधरी साहब, राजू हालात से भाग गया साहब। खबरदार, किसी ने भी आवाज की तो गोली मार दूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। बचाओ! बचाओ! अरे अरे, भाई तुम आइए।
आगे बढ़ा तो तेरी खोपड़ी में गोली गाड़ दूंगा। जिंदगी और मौत का फैसला करने हैं। बहुत यकीन है तुम्हें मौनी बाबा के फैसले पर, तो पूछ लो उनसे कि मेरा प्यार सच्चा है या नहीं। अगर वो फैसला करें कि मेरा प्यार सच्चा नहीं है तो मौत मेरी दुल्हन बनेगी, और अगर वो फैसला करें कि मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरी दुल्हन बनोगी। मुझे कुछ नहीं पूछना है बाबा से, मेरे लिए तो बस एक ही सच है और वो है तुम्हारे लिए मेरी नफरत, नफरत, नफरत। अगर तुम्हारी नफरत सच है तो तुमने क्यों कहा था कि तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक नहीं? क्यों कहा था कि अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं तो इस दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं? अगर तुम्हारी नफरत सच है तो मौनी बाबा ने हमारे प्यार को आशीर्वाद क्यों दिया था? अगर तुम्हारी नफरत सच है तो मौनी बाबा ने मुझे फूल देकर मेरे रास्ते को सच का रास्ता क्यों कबूल किया था? अगर आज तुम नहीं पूछना चाहती तो मैं मौनी बाबा से पूछूंगा झूठ क्या है और सच क्या है। बंद करो ये नाटक। आज मौनी बाबा तो क्या, भगवान भी कहे तो मेरी नफरत मोहब्बत नहीं बन सकती। ये नफरत की दीवार मेरी माँ की लाश पर खड़ी हुई थी और एक दिन तुम्हारी लाश पर गिरेगी। तो ठीक है, ये लो पिस्तौल और चलाओ गोली, गिरा दो उस नफरत की दीवार को। मुझे तुम्हारे हाथों मरना मंजूर है मगर तुम्हारे बगैर जीना नहीं। चलाओ गोली, आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली चला दूंगी। जब जिंदगी सामने है तो मौत का क्या डर? मैं सच कहती हूँ राजू, मैं गोली चला दूंगी। मैं तो सिर्फ फासला कम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा निशाना ना चूक जाए। मैं सच कहती हूँ राजू, मैं गोली मार दूंगी। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नफरत के हाथ तो बड़े मजबूत होते हैं। चलाओ गोली। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। मैं कहता हूँ चलाओ गोली, चलाओ गोली। एक दीवाने ने दूसरे दीवाने को मार डाला। राजू ये क्या हो गया? राजू मैं हमेशा तुमसे झूठ कहती रही कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राजू मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। यही सच है, यही सच है। थैंक यू, तुमने मेरी आखिरी सांसों का बोझ हल्का कर दिया गुड्डी। अब मैं इत्मीनान से मर सकता हूँ।
देखो तुम्हारी नफरत गोली बनकर मेरे जिस्म में उतर गई और मेरा प्यार लहू बन के बाहर आ गया। देखो गुड्डी, मैं प्यार में रंग गया। ऐसा मत कहो राजू, ऐसा मत कहो। देखो राजू, मैं तुम्हारी दुल्हन बन गई। मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा कामयाब हो गई। गुड बाय गुड्डी, गुड बाय। नहीं राजू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने तो कहा था साथ जिएंगे साथ मरेंगे। गुड्डी, राजू, राजू, मेरे बच्चे, ये क्या किया? ये तुमने क्या किया? राजू को बचा लीजिए बाबूजी, नहीं तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रहेगी। मेरी जगह अपना खून बहा दिया, ये क्या किया तुमने राजू? ये भी तो आप ही का खून है पापा। देखिए आपका खून क्या रंग लाया है। आपके खून ने नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। मेरे सुहाग को बचा लीजिए बाबूजी। धर्म, बलराम, तुम मुंह क्या देख रहे हो? बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो। तुम लोग मेरे बच्चे को बचा लो। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब कोई खतरा नहीं। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर।